गुड मॉर्निंग children, आई एम your इंग्लिश टीचर टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर which इज स्टोरी राइटिंग स्टोरी राइटिंग में क्या होता है कि हमें एक स्टोरी यानी कहानी दी हुई होती है ठीक है ना तो चलिए आपकी दी हुई स्टोरी को हम पढ़ते हैं वंस देयर was अ शेफर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप एक क्या था भेड़ चराने वाला लड़का था ठीक है ना जो कि अपनी फ्लॉक ऑफ शीप्स को देखता था यानी भेड़ों को देखता था वन डे ही फेल्ट बोर एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विजर्स एक दिन वो बोर हो रहा था और उसने डिसाइड किया कि मैं एक ट्रिक खेलूंगा विलेजर्स यानि गाँव वालों के साथ वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया तो विलेजर्स ये सुनते हुए उसकी रोना सुनते हुए तुरंत भागते भागते विलेज में आए ठीक है ना विलेज से वहाँ आए शेफर्ड बॉय के पास जब वो उसके पास आए तो उन्होंने आ, आ, पूछा उससे शेफर्ड बॉय से वेयर इज द वुल्फ वेयर इज द वुल्फ यानी वुल्फ कहाँ है तो शेफर्ड बॉय लाव लाउडली हा 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 शेफर्ड बॉय क्या करता है तेज तेज से हंसने लगता है आई फूल्ड यू मैंने तुम्हों को उल्लू बनाया आई वॉज ओनली प्लेइंग ट्रिक ऑन यू मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था अ फ्यू डेज लेटर द शफर्ट बॉय प्लेट द ट्रिक अगेन उसी ट्रिक को कुछ दिन बाद शफर्ट बॉय ने फिर से दोहराया फिर वो रोने लगा ही क्राइट हेल्प हेल्प वुल्फ वल्फ अगेन द विजर्स लर्स्ट अप द फील टू हेल्प हिम एंड अगेन द फाउंड बॉय हैड ट्रिक दैम वो फिर रो रो के चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया अगेन विलेजर्स क्या किए दौड़ते हुए उस फील्ड में गए और उन्होंने देखा कि फिर उसी लड़के ने शफर्ड बॉय ने उन्हें उल्लू बनाया ठीक है वो काफ़ी गुस्सा हुए दे वर वेरी एंग्री विद हिम फॉर बींग सो नॉटी वो बहुत गुस्सा हुए उस शेफर्ड बॉय पे इतना ज़्यादा नॉटी बना करने के लिए देन आफ्टर फ्यू डेज अ वुल्फ फ्रीली वेंट टू द फील्ड द वुल्फ अटैक्ड वन शीप एंड देन अनदर एंड अनदर द शेफर्ड बॉय रैन टू वर्ड्स द विज शॉटिंग समबड़ी कुछ दिन बाद क्या होता है कि रियल में वहाँ पे भेड़िया आ जाता है और एक एक करके उसके शीप्स को खाने लगता है शेफर्ड बॉय भागता हुआ विलेज विजर्स के पास जाता है गाँव में जाता है और चिल्लाता है मदद के लिए वुल्फ आया वुल्फ आया बट कोई भी दिलेजर्स हर्ड इज़ क्राइस बट दाव बिकॉज दे थाट इट वॉज जस्ट अनदर ट्रिक विलेजर्स उसकी रोना सुन के फिर से हंसने लगे क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो अभी भी मजाक कर रहा है come to the next page the boy ran to the nearest villager and said a wolf is attacking the sheep i lied before but this time it is true लड़का भागते हुए अपने विलेजर्स के पास जाता है और कहता है भेड़िया मेरी शी? क्या कितने भेड़ों को मार रहा है मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था बट अब मैं सच बोल रहा हूँ। फिर फाइनली विलेजर्स वेंट टू लुक इट वाज ट्रू दे कुड सी द वुल्फ रनिंग अवे एंड मेनी डेड शीप लाइंग ऑन द ग्रास आखिर में जाके विलेजर जाते हैं देखने के लिए और देखते हैं कि ये बात सच कह रहा था वो भेड़िया को भागते हुए देखते हैं और देखते हैं कि काफ़ी शीप्स मरी पड़ी हैं वहाँ पे ग्रास में वी मे नॉट बिलीव सम वन हु ऑफ्टन टेल लाइज इवन मैन ही टेल्स द ट्रूथ कभी कभी बार बार झूठ बोलने की वजह से जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो आई होप चिल्ड्रेन आपने स्टोरी राइटिंग टॉपिक को अच्छे से समझा होगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे